नमस्कार आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पूरा परीक्षा दो चौबीस का क्वेश्चन पेपर दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक अंकों का होने वाला समय तीन घंटे का और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर बीस क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा सही विकल्प चुनकर कर लिखिए आपकी परीक्षा में छः नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया है मूल आवेश का मान होता है तो इसमें आपको राइट आंसर तीसरे वाला एक दशमलव छ इन टू टेन की पावर माइनस उन्नीस गुलाम आपको लिखना है बी वाला आपका सही विकल्प देख लीजिएगा दारा गणत का एसआई पद्धति में मात्रक है तो इसमें आपको राइट आंसर दूसरे वाला आपको लगाना है अब आपका सी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला ऊर्जा संरक्षण अब आपका डी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा आकाश नीला दिखाई देता है तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा पहले वाला ठीक है प्रकर्णन के कारण अब आपका ई वाला सही विकल्प देख लीजिएगा सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकी तरंग है तो इसमें आपको राइट आंसर दूसरे वाला गामा तरंग आपको लिखना है अब आपका ए वाला सही विकल्प देख लीजिएगा यदि किसी का संवेग दुगुना किया जाए तो इसकी डी ब्लॉगली ली तरंग होगी तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला आदि होगी अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें क्या करना आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यह आपकी परीक्षा में छह नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा पहले क्वेश्चन आपको लिखना होगा पराबैगनी, पराबैगनी किरणों आपको लिखना है ठीक है अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा चुंबकीय आगुन का ऐसा मात्रक मात्र खालिस्तान है तो इसमें आपको लिखना होगा एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको लिखना है अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा धारावाही परिनालिका खालतन की बातें व्यवहार करती है तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा दंड चुंबक अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रोटॉन का विराम निर्माण खालतन होता है तो इसमें आपको लिखना होगा शून्य होता है अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा नाभिकी को खालतन अभिक्रिया भी कहते हैं तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा पांचवे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा तापी नाभिकी यह आपको लिखना होगा अच्छे से लिख लीजिएगा अब आपका छेटा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा पी प्रकार के अर्ध चालक में बहुसंख्यक आवेश वाह खालतन होते हैं तो इसमें आपको लिखना होगा होल आपको लिखना है ठीक है अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिएगा जिसमें क्या करना आपको सत्य अथवा असत्य बताना है जो आपकी परीक्षा में पांच नंबर के आने वाले हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा तेरह दशमलव छ ईवी होती है तो बिल्कुल यहाँ पर होती है सत्य हो जाएगा दूसरा आपका दिया है अति पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है तो बिल्कुल यहाँ पर होती है सत्य हो जाएगा तीसरा आपका दिया है लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है तो बिल्कुल नहीं होती है असत्य हो जाएगा और चौथा आपका दिया है प्रकाश एक तंतु व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो बिल्कुल नहीं करता है असत्य हो जाएगा और पांचवा आपका दिया है तो पांचवा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा ठीक है अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें क्या करना आपको सही जोड़ी का मिलान करना है तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा पहला आपका दिया है रेडियो तरंगे तो इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है इसी में आपको लिखना होगा मार्कोनी दूसरा आपका दिया है परा तरंगे तो दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला जीटर तीसरा आपका दिया है दृश्य प्रकाश तो तीसरे में आपको लिखना है क्या लिखना है न्यूटन तो आपको, आपको लिखना है तो चौथा आपका दिया है द्रवित रंगे, तो में आपको लिखना होगा पर क्या लिखना है बी वाला डी और पांचवा आपका दिया है प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की खोज तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला जे जे टॉम्सन अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें क्या करना आपको एक वाक्य में उत्तर आपको देना है जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया ट्रांजिस्टर का प्रबंधन के रूप में किस विधा में उपयोग करते हैं तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा तो पहले में आपको लिखना होगा उब्या, उत्सर्जक आपको लिखना है ठीक है अच्छे से लिख लीजिएगा अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा नाभिक में कौन सा आवेश होता है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है धनात्मक क्या लिखना धनात्मक आवेश आपको लिखना है अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कार्यप्लन और दहली आवर्ती में संबंध आपको बताना होगा तो इसको आप लगा लीजिएगा इसमें आपको लिखना होगा ओमेगा बराबर एच वी जीरो इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत

इसका मात्रक आपको बताना होगा और अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है ऐसा क्यों होता है इसका कारण आपको देना है अब आपका सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा सातवें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा आठवां क्वेश्चन दिया है आठवीं के बाद यहाँ पर हमारा नौवा क्वेश्चन दिया नौवे के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको दसों क्वेश्चन दिया दसवीं की बाद आपका ग्यारहों क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है अच्छे से पढ़ लीजिएगा ग्यारहवीं की बाद आपका बारह क्वेश्चन दिया है किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं वीवान्तर को परिभाषित करके आपको लिखना होगा और अतिवी वाले क्वेश्चन में आपको विद्युत शक्ति क्या है इसका मात्रक एवं विमि सूत्र आपको लिखना है अब आपका तेरह क्वेश्चन देख लीजिएगा तेरहवीं के बाद यहां पर हमारा चौदह क्वेश्चन दिया है चौदहवे के बाद, 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 बाद आपका पंद्रह क्वेश्चन और पंद्रहवें सोलवा सोलवे के बाद यहां पर हमारा सत्रह क्वेश्चन दिया है ठीक है और सत्रहवें बाद आपका अट्ठारह क्वेश्चन देख लीजिएगा विथ स्टोन सेतु क्या है विथ स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित करके आपको लिखना होगा इसके साथ इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन आपको करना होगा तो जिसमें आपको क्या करना है ट्रांसफार्मर के प्रकार बताना होगा नामांकित चित्र आपको बताना है और सिद्धांत आपको लिखना है और कोई दो अनुप्रयोग आपको लिखना है इसके साथ ही आपका यहाँ पर उन्नीस क्वेश्चन देख लीजिएगा उन्नीसवीं के बाद यहाँ पर हमारा बीसवा क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें क्या करना है आपको एल सी आर परिपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है इसके साथ इसके कुछ आपका दिया है तो इस प्रकार से ही हमारा कक्षा बारहवीं का फिजिक्स का पूरक परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप पूरक परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ जाए तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जत जय वंदे मातरम